नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हिंदी के मशहूर कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने एम्स के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कवि मंगलेश अंतिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। सांस लेने में हो रही परेशानी के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन की जानकारी उनके कवि मित्र असद जैदी ने फेसबुक पर साझा की। बताया जा रहा है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलेश डबराल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मंगलेश डबराल के निधन को हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उनके निधन पर कवि कुमार विश्वास ने भी दुख जताया और ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अलविदा श्री मंगलेश डबराल, विदा कवि। कुमार विश्वास ने आगे लिखा, कितने सारे पत्ते उड़कर आते हैं, चेहरे पर मेरे बचपन के पेड़ों से एक झील अपनी लहरें मुझ तक भेजती है, लहर की तरह कांपती है रात और उस पर मैं चलता हूँ, चेहरे पर पत्तों की मृत्यु लिए हुए लोग जा चुके हैं, रोशनियां राख हो चुकी हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि मंगलेश डबराल नवंबर के आखिरी हफ्ते से ही बीमार चल रहे थे। पहले उनका गाजियाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बीच में उनकी हालत में कुछ सुधार देखा गया था, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए। इसके बाद उन्हें इनकी सहमति से एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन ने कवियों की जिस पीढ़ी की रचना की, उनमें मंगलेश डबराल अग्रिम पंक्ति में शुमार हैं। उन्होंने अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा, प्रतिपक्ष और शुक्रवार में साहित्य पत्रकारिता भी की। उनके कविता संग्रहों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज भी एक जगह है, एक युग में शत्रु, कवि ने कहा शामिल है। इसके अलावा उन्होंने लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन जैसे गद्य संग्रह और एक बार आयोवा यात्रा वृतांत भी लिखा है। विश्व साहित्य के कई बड़े नामों बर्टोल्ट ब्रेस्ट, पाब्लो नेरुदा, अर्नेस्टो कार्डिनल जैसे लोगों को उन्होंने हिंदी में अनुवादित किया है, जो उनकी कविताओं का भी कई भाषाओं में अनुवाद है। उन्हें साहित्य अकादमी, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, शमशेर वर्मा सम्मान, पहल सम्मान से नवाजा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।